तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है जो मेरे पास टीवीएस की विक्टर बाइक है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है विक्टर का और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो प्रीमियम एडिशन का वर्जन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका हम स्पार्क प्लग कैसे क्लीन करना और कैसे खोलना ये बताएंगे, और जो हमारा एयर फिल्टर यहाँ पे लगा होता है इसको कैसे खोलना ये बताएंगे। तो एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग कैसे क्लीन करना ये बताएंगे। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हमको खोल लेना इस तरीके से सीट। तो हमारी ये सीट हो गई बाहर। अब इसका खोलना है पैनल, जो हमारा राइट साइड का पैनल है, और मैं इसका बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक स्क्रू, जो हमारा ये पैनल खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू एक है और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे। तो हमको सीट खोलना पड़ेगा तभी हमारा ये वाला स्क्रू खुलेगा। तो चलो फटाफट से स्क्रू को खोलता हूँ। यहाँ से हमारे स्क्रू खुल गए। अब मैं निकालता हूँ इसका पैनल। तो स्क्रू को रखते हैं हम साइड में, इसका पैनल कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे पीछे भी एक लॉक रहता है जो हमारे रबर में फंसा रहता है इस तरीके से। ये वाला लॉक यहाँ पे आप लोग, ये वाला लॉक हमारा इस रबर में फंसता है तो इसको खींच के निकालना पड़ता है। तो पैनल को रखते हैं हम साइड में और इसके बाद बताते हैं एयर फिल्टर। तो ये हमारा एयर फिल्टर है, यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे और हमारा तीसरा स्क्रू वो यहाँ पे। तो चलो फटाफट से स्क्रू को खोल लेते हैं और इसका एयर फिल्टर को निकालते हैं बाहर। यहाँ से हमारे सारे स्क्रू जो वो खुल चुके हैं, हमारा एयर फिल्टर निकल रहा है बाहर। ये हमारा एयर फिल्टर का कवर निकल गया। तो ये रहा हमारा एयर फिल्टर का कवर और जो मेरा एयर फिल्टर है ये है। तो इसको भी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको कैसे क्लीन करना ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। तो यहाँ से मैं इसका एयर फिल्टर निकाल लेता हूँ बाहर पहले, उसके बाद आप लोगों को इसका स्पार्क प्लग कैसे खोलना ये बताता हूँ। तो ये रहा हमारा एयर फिल्टर। तो चलो अब इसका खोलते हैं स्पार्क प्लग। तो अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्पार्क प्लग इसका लगा हुआ ये यहाँ पे, इस वाले कैप को क्या करना है हमको इस तरीके से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो हमारा ये कैप इस तरीके से निकल जाएगा। तो हमारा कैप निकल गया, इसके अंदर हमारा यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो इसको फटाफट से कैसे खोलना ये बताते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्लग पाना, हमारा जो रहता प्लग पाना ये रहा प्लग पाना, और जो हमारा पेचकस है स्क्रू ड्राइवर, ये हमारे प्लग पाना और स्क्रू ड्राइवर से हम प्यार से इसको खोल लेते हैं। तो चलो फटाफट से हम कंप्लीट खोल लेते हैं इसको और उसके बाद आप लोगों को कैसे क्लीन करना ये बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जाम खुल रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको फटाफट से पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से हमारा स्पार्क प्लग खुल गया है, मैं इसको पूरा खोल के, ये रहा हमारा स्पार्क प्लग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि ये काला काला दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे काला पड़ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लेड जो हमारी होती है ब्लेड से हम इसको क्लीन करेंगे, और एयर फिल्टर जो हमारा है उसको हम प्रेशर यानी कि हमारा जो हवा है हवा से हम क्लीन कराएंगे इस वाले एयर फिल्टर को। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये इस वाले एयर फिल्टर को और स्पार्क प्लग फटाफट से क्लीन करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फाइनली है स्पार्क प्लग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग हमारा स्पार्क प्लग बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको ब्लेड से मैंने इसको फुल क्लीन कर लिया। यहाँ पे मैंने इंजन ऑयल लगा दिया है क्योंकि हमारा स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा टाइट खुला था। अब जो क्या हमारा स्पार्क प्लग फ्री चढ़ जाएगा, और इसका जो हमारा एयर फिल्टर को मैंने क्लीन कर लिया है, और एयर फिल्टर बॉक्स से ये जो हमारा उसको भी मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया है। अब एयर फिल्टर को कुछ इस तरीके से बैठा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर प्यार से बैठ गया। अब इसके बाद हम इसका बाहर का कवर ये जो रहा है इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, इसको कैसे लगाना ये बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा एयर का होल बना हुआ है, तो इसको इस तरीके से लगाना, इस तरीके से एयर का जो हमारा हवा लेता है इस जगह से लेगा। तो यहाँ पे हम तीनों स्क्रू को लगाते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं एयर फिल्टर। तो यहाँ से हमारा एयर फिल्टर हो गया कंप्लीट, तीनों स्क्रू लग गए। यहाँ पे देखोगे तो हमारा स्पार्क प्लग ये रहा। तो स्पार्क प्लग को कुछ इस तरीके से पहले हाथ से क्या करेंगे, हम चूड़ी में चढ़ा लेंगे, जो हमारी स्पार्क प्लग की चूड़ियाँ रहती हैं उनमें हम हाथ से चढ़ा लेंगे। उसके बाद लगाएंगे इसका प्लग पाना, और प्लग पाने से भी हाथ से टाइट करेंगे, और जब हमारा एंड हो जाएगा उसके बाद हम पेचकस लगा के इसको फुल टाइट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा स्पार्क प्लग हो गया टाइट, बिल्कुल टाइट हो गया। इसके बाद ये वाला जो हमारा कैप है कुछ इस तरीके से लगा के इसको नीचे की तरफ दबा देंगे तो ये प्यार से बैठ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा होता है काम फाइनल, इसके बाद इसका पैनल लगा के कंप्लीट करते हैं गाड़ी को, और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा इसका पैनल, फटाफट से कंप्लीट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे दोनों स्क्रू लग गए हैं, यहाँ पे सीट हम लगाएंगे बाद में इसकी, इसकी चाबी निकालते हैं और फटाफट से बाइक को करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को लाइव दिखाते हैं। you
तो आप लोगों ने देखा हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोरेटर में स्क्रू यहाँ पे एडजस्टर वाला लगा होता है, मैं लाइट जलाता हूँ उसके बाद आप लोग देखो। तो ये देखो ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको हम घुमाएंगे इस तरीके से, तो हमारी गाड़ी जो वो फास्ट होती चली जाएगी। तो आप लोग सुन सकते हो हमारी गाड़ी जो फास्ट होने लगी है। तो अब मैं उल्टा घुमाता हूँ तो यहाँ से हमारी बाइक जो वो स्लो हो जाएगी। तो यहीं से हमारी बाइक स्लो और फास्ट होती है। अगर आपकी बाइक बंद पड़ रही है तो यहीं से आप लोग फास्ट कर सकते हो। तो फाइनली आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।